सर आप तीन बंदों को आप क्या कर रहे हैं? मैं इनको थाने लेके जा रहा हूँ। किस तरीके लेके जाते हैं? किस तरह लेके जाते हैं? थाने कॉल की जाती है, हेलमेट आप हमारा तरीका लेता है, हमारा तरीका यही है। ऑन व्हील है? ऑन व्हील हेलमेट सर पे लेना बनता था? बिल्कुल बनता है, मैं ही ले लेता हूं। नहीं लेता नहीं है ना, अब आपका भी चालान बनता है। अच्छा, आप मेरा चालान काट सकते हैं? अयूब साहब आपसे तो मुझे बड़ा मान था यार। क्या हुआ? आप तीन बंदे बिठा के जा रहे हैं टैंकी पे। मैं उनको छोड़ दूं उनको उसी बाइक पे, चाहे चार बंदे हो या पांच बंदे। तो बाइक उनकी है, मैं उनका मालिक तो नहीं उसका। उसके लिए एक तरीके का रहे हैं, आप पुलिस को कॉल करें कि वो अभी हम भी बहुत वेले हैं। वो मैं अपनी बाइक चलाऊंगा ना, फिर मैं लूंगा। कानून इसकी इजाजत देता है और अभी भी हेलमेट नहीं लेके जा रहे, अभी भी हेलमेट नहीं। यार कुछ शर्म करो यार। निगरान गवर्नमेंट से अपील है कि इनको इतनी छूट ना दें, मेहरबानी अवाम को कोई रिलीफ दें। इनका झूठ भी सच है और अवाम का सच भी झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, हम आपको फॉलो कर रहे थे सर। आ जाए साइड पे, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वायलेशन की इन्होंने? ये अंडर एज है, अंडर एज, लाइसेंस नहीं इनके पास। हाँ जी, लाइसेंस क्यों नहीं आपके पास? इसकी को वजह तो नहीं बनवाए होते? नहीं बनवाया ना जी सर। सर आप तीन बंदों को आप क्या कर रहे हैं? मैं इनको थाने लेके जा रहा हूँ। किस तरीके लेके जाते हैं? किस तरह लेके जाते हैं? थाने कॉल की जाती है, हेलमेट आप हमारा तरीका लेता है, हमारा तरीका यही है। सर पे हेलमेट नहीं लिया, उनका अंडर 18 का चालान कर दिया है। हेलमेट उनका, मेरा नहीं। सर पे नहीं लेना, आपने सर पे नहीं लेना। अच्छा, इसका मतलब कि इनको थाने ना लेके? ऑन व्हील है, इनको थाने ना लेके? ऑन व्हील है, आप ले जाएं। मैं ऑन व्हील। ऑन व्हील है? ऑन व्हील। हेलमेट सर पे लेना बनता था? बिल्कुल बनता है। टैंकी पे क्यों रखे हैं? हेलमेट उनके है ना, मैं लूंगा तो वो कहेगा मेरा हेलमेट। जो चीजें ठीक है मैं आपके साथ रहता हूँ ना, मुझे पता है जो चीजें ठीक है, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। नहीं लेता नहीं है ना, अब आपका भी चालान बनता है। अच्छा, आप मेरा चालान काट सकते हैं? मैं कर नहीं सकता, आप करवा लें। किससे करवा दूं? आप ट्रैफिक वाले खुद हैं, आप करवा लें। थाने जाके कर लेता हूं। थाने क्यों करेंगे? थाने जा रहा हूं। अय्यूब साहब आपसे तो मुझे बड़ा मान था यार। क्या हुआ? आप तीन बंदे बिठा के जा रहे हैं टैंकी पे। मैं उनको छोड़ दूं उनको। मैं कब कह रहा हूं छोड़ो? आप तो इस तरह कह रहे हैं मेरे। आप पुलिस को तरीकाकार क्या? क्या तरीकाकार ये कि जो वायलेटर होता है उसको लेके थाने जाया जाता है, हम लेके जाते हैं। आप खुद लेके जाते? हाँ जी। उसी बाइक पे चाहे चार बंदे हो या पांच बंदे हो। तो बाइक उनकी है, मैं उनका मालिक तो नहीं उसका। उसके लिए एक तरीके का रहे हैं, आप पुलिस को कॉल करें कि वो अभी हम भी बहुत वेले हैं। वो अभी ट्रैफिक वार्डन एक वेले हैं। सुन, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ ना। हेलमेट भी लेना। सुने ना मेरी बात, अब उनका हेलमेट है। किसे आप किसे चलान करवा लें? मैं खुद करूँगा। एक मिनट सर, बात तो सुने। अय्यूब साहब अच्छे भाई हैं। हाँ, मैं हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। अगेंस्ट जा रहे हो? मेरी जब मैं अपनी बाइक चलाऊंगा ना, फिर मैं लूंगा। भाई वो उनका हेलमेट उनकी मलकियत है। हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ है और वो कहते हैं जब मैं अपनी बाइक चलाऊंगा ना, फिर मैं हेलमेट लूंगा। हेलमेट जिसका भी है। ऑन व्हील है, आप ऑन व्हील है तो ऑन व्हील आप चलान करेंगे। आप करते हैं ये उनकी ठीक है, वो मुझे मलकियत अपनी से रोक सकते हैं। चलान करवाना? नहीं मेरे पास अय्यूब साहब, मेरे पास जी, मेरी छोटी सी बात ना जाइए। आप अच्छे भाई हैं, क्या आप मेरे से बड़ा कम्प्रोमाइज करते हैं? क्या हुआ? क्या बड़ा कम्प्रोमाइज? अभी करना क्या चाह रहे हैं? अभी करना क्या चाह रहे हैं? आपने हेलमेट रखा होता है ना भाई, उसकी मलकियत है, मैं बता रहा हूँ। क्या मैं बात क्या कर रही हूँ? इतना सर मेरे पास क्या बात करूँ? और मैं जब उसकी मलकियत है, वो मुझे अपनी मलकियत दे या ना दे, ऑन व्हील है। ओ भाई, व्हील उसकी व्हील है, ऑन व्हील है। मैं थाने लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी बाइक मैं चला रहा हूँ। ऑन व्हील होगा तो हेलमेट जब टंकी पे रखा तो सर पे ले। ओ भाई, बाइक उनकी है, मैं अपनी बाइक लेके जाऊंगा। जब एक बंदे को लेके जा रहा हूँ, गलत कह रहे हैं। जैसे पीछे भाग गया मेरे जैसे, पता नहीं कि मैंने बहुत जुर्म कर दिया। मैं इसलिए भाग गया। आप इसको चलाएं, आप गैर कानूनी तौर पे चल रहे थे, इसको सर पे लेना था। मलकियत तो गाड़ी भी उसकी है, मैं लेके जा रहा हूँ ना। ये तो गाड़ी मैं उसकी सर मलकियत तो गाड़ी भी उसकी है। एक चीज उसकी मलकियत है, वो क्या आप क्यों ले रहे हैं? तो लेके जा रहे हैं ना, मैं तो उनको लेके जा रहा हूं। तो गाड़ी भी उनकी है यार, जा रहा ना। गाड़ी पर उन्हें चलाने दी, गलती मानते हैं। किस चीज की गलती? छोड़ दें, चलान को छोड़ दें। अब भाई गलती किस चीज? ऑन व्हील है आप, और यार व्हील उनकी व्हील है, उनको थाने में लेके जा रहा हूं। यहां पे तुम्हारी बाइक है, तुम्हारी मलकियत है, तुम्हारा चलान हो गया, तुम्हारे थाने चले गए। मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया जी। मेरा सवाल यह था कि बाइक तुम्हारी है, वो भी मलकियत तुम्हारी है, हेलमेट भी मलकियत तुम्हारी है, फिर सर के बाइक क्यों यूज कर रहे हो? हेलमेट क्यों नहीं यूज कर रहे? ये बाइक है ना, जो व्हीकल है उसको मैं कानूनी तौर पे ले जा सकता हूँ।
उसकी ये हेलमेट मलकियत है, वो हेलमेट मुझे नहीं देगा। हेलमेट उनकी मलकियत है, गाड़ी उनकी मलकियत नहीं है भाई। वो जिस जिस चीज को मैं चला सकता हूँ वो कानूनी तौर पे मैं इसको लेके जा सकता हूँ। जिम्मेदार होने का जिम्मेदार आप समझदार है, मुझे आप पे प्रूव क्या चाहते हैं आप माने की आपकी ये ऑन व्हील थे भाई? ऑन व्हील हूँ मैं, इसकी हेलमेट लेना बनता उसके हेलमेट है लेना बनता है। हेलमेट मेरा जब मैं जाती व्हील पे चलाऊंगा, जब मैं जाती काम के लिए जाती ड्यूटी करूंगा, जब अपनी बाइक पे सरकारी बाइक पे नहीं कर सकते भाई, उसने उसकी मलकियत है। मैं बाइक पे हम हेलमेट नहीं ले सकते। ठीक है सर, आप मैं ठीक हूँ, मुझे चले चले जाए जाए। अब ये कानून इस चीज की इजाजत देता है आपको? जी मैं जब ड्यूटी ऑन ड्यूटी सर से बात करूंगा। जी जरूर, कानून इसकी इजाजत देता है। और अभी भी हेलमेट नहीं लेके जा रहे, अभी भी हेलमेट नहीं, यार कुछ शर्म करो यार। ये बंद नहीं करवाएंगे इसको, ये इसके साथ लगते थे, पैसे साथ है ये। बहरहाल ये जो चक्कर चल रहा है ना, ये बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने वाला चक्कर है। लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है, ये बंद करें ये टोपी ड्रामा कि ये चलान करने, ये करना वो करना, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हर आदमी को दागी कर रहे हैं, ये क्या चक्कर क्या है? अपने पास इनके पास पता नहीं कोई एविडेंस है कि नहीं है। बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी यकीन करें आप थाने में जाए ना, ऐसे लगता है ये खा जाएंगे हमें। थाने में जाके हमारा मुल्क है, हमारे हमें सुकून होना चाहिए थाने में जाके, हम ऑफजदा होते हैं थानों में जाके। ये चक्कर क्या है? ये दहशतगर्दी, ये सब अदारे कर रहे हैं ये दहशतगर्दी। अवाम बेचारी गरीब पिस रही है, बस ये पिसने के लिए है काबिल इस चीज़ के। मैं सच्ची बात कहूँ ना, ये अवाम जूतों के गोलियों के लाई गया, ये अवाम ऐसी इतनी गंदी अवाम है ये कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। यार यार पुलिस वाले को देख के हम होफ ज़्यादा होते हैं, मैं कोई जुर्म पेशा नहीं, मैं इधर दुकानदार हूँ, खुदा की कसम मैं एक जगह का कोई करप्शन कभी कभी मैंने कुछ ऐसा कोई काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको देख के होफ ज़्यादा होना पड़ता है। ये कुछ भी डाल सकते हैं, ये झूठ में FIR दर्ज कर दें, दागी कर दें इंसान को, तो क्या रह जाएगा पीछे? और लिहाजा मेहरबानी अपील है, ये निगरान गवर्नमेंट से अपील है कि इनको इतनी छूट ना दें, मेहरबानी अवाम को कोई रिलीफ दें। देना ही है रिलीफ तो अवाम को दें, इनको ना दें मेहरबानी। इनके आगे बहुत हाथ पैर खुले हुए हैं, और मजीद ना खोलें इनको मेहरबानी। हम गरीब अवाम है, हमारा कुछ सोचें। ऑन व्हील जा रहा था, वो कहता है हेलमेट मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, बाइक उनकी यार। ये कुछ भी कहेंगे हमने, वो इनका झूठ भी सच है और अवाम का सच भी झूठ है। अभी भी हेलमेट नहीं रहा, ऑन व्हील है, जबकि आप चला रहे हैं तो हेलमेट किसी का भी है, आप यूज़ करें। उसके बाद आप थाने ले जा ही नहीं सकते। अब पुलिस को बुलाओ और उसको कहो कि ये इसको ले जाए। 18 साल के वो थे, स्टूडेंट्स थे, और वो 18 साल के भी थे, उसके बावजूद वो 22-23 साल के लड़के हैं, 18 साल के क्या। तो बहरहाल प्लीज़ मेहरबानी, ये निगरान गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि लिहाजा अवाम के ऊपर रहम खाएँ, इनको इतना हाथ छूट ना बनाएँ, इनको इतना शह ना दें कि ये हर शहरी को परेशान करें। मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे शर्म आती है इस बात पे, यकीन माने आज मैं खुल के बात करने के बजाय ना बड़ा डरता हूँ अंदर से, बड़ा खौफ ज़्यादा होता हूँ जब आवाम साथ नहीं देती, जबकि गलत चीज़ को वो गलत नहीं कहती, और जब गलत चीज़ को आप गलत नहीं कहेंगे तो फिर आप कैसे ठीक हो सकते हैं, जबकि वो गलत था और आवाम खामोश तमाशा ही बनी हुई थी। अब उस ऑन व्हील वो हेलमेट यूज़ नहीं कर रहा, उसके बाद वो बदमाशी के साथ हमारे पास से गया है, क्या कह सकते हैं? फिर आज ही पंजाब साहब गुस्सा करते हैं कि हमारे मुहाफ़ों के साथ आप बदतमीज़ी करते हैं। ये मीडिया यूट्यूबर्स कहाँ से आ जाते हैं, ये बदतमीज़ी करने आ जाते हैं? भाई हम आई बदतमीज़ी नहीं करते, हम तो जो कैमरा आपके सामने दिखा रहा है वो देख लें। पर अल्लाह का वास्ता है, जहाँ पर कुछ ठीक होते हैं तो ये अदारे बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर छुपे गंदे अंडे बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको ठीक करना पड़ेगा। मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।